नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, आईएमए के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, सिटी फॉरेस्ट का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी बिजली और पेयजल की समीक्षा करते नजर आएंगे, विकास कार्यो का हल्द्वानी में निरीक्षण भी किया जाएगा और साथ ही आयोजित उत्तराखंड 2024 में भी शिरकत करने वाले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड 2024 में भी शिरकत करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विकास कार्यों का हल्द्वानी में निरीक्षण करेंगे और साथ ही उत्तराखंड में भी बताया जा रहा है कि सीएम धामी शिरकत करने वाले। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश कनेडा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस हल्द्वानी दौरे को लेकर, किस समय क्या कार्यक्रम है? देखिए बसंत, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है और कुमाऊं क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं उनके तमाम क्या अभी कितना अपडेट हुआ है, कितना कुछ काम हुआ है, उनका आज स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री एक समीक्षा बैठक भी हल्द्वानी में करने वाले हैं जिसमें सभी जनपद के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। विभागवार यहाँ पर बैठक की जा रही है और समीक्षा इस बात को लेकर के भी की जा रही है क्योंकि क्षेत्र में जिस तरह से आपदा आई थी और आपदा से कितना नुकसान हुआ था, उसका अभी तक कितना कार्य हुआ है, इसकी इस तरफ भी मुख्यमंत्री आज समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही साथ पेयजल और पीडब्ल्यूडी विभाग की भी समीक्षा होने वाली है। इसके साथ साथ ही जो सड़कों का जो निर्माण कार्य है वो अभी तक कितना पूरा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री का उद्देश्य था कि तमाम जगहों पर, चाहे वो गढ़वाल है या कुमाऊं है, सभी जगहों पर जो गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त का संदेश यहाँ पर बीजेपी की सरकार दे रही थी और इसी तरफ लगातार मुख्यमंत्री भी तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं, तमाम उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अभी देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून सहित तमाम इन जगहों पर भी जो बिहड़ इलाके हैं, जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर भी गड्ढा मुक्त को लेकर के पीडब्ल्यूडी सचिव को निर्देश दिए गए थे और लगातार विभाग की तरफ से भी जो गड्ढा भरने का काम किया जा रहा है, रोड पेंटिंग का काम किया जा रहा है, ब्लैकटॉप करने का काम किया जा रहा है। तो आज भी अगर बात करें तो आज भी मुख्यमंत्री हल्द्वानी दौरे पर पहुंच रहे हैं और हल्द्वानी में तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग हो, या फिर इसके साथ ही जल निगम विभाग हो, सभी विभागों की आज विभागवार समीक्षा होनी है और उसके बाद अभी कितना कार्य हुआ है, कितना और पेंडिंग हो रही है, तो इन तरफ भी काम किया जाना है, इस पर समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी बिल्कुल हरीश कनेडा, अभी फिलहाल अगर बात कर ले सड़कों के निर्माण को लेकर, सड़कों के जल्द से जल्द उनके सुधारीकरण को लेकर जिस तरीके से विकास कार्यों की समीक्षा करते नजर आए, बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड के बात हल्द्वानी की करें या फिर अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात कर ले हरीश, तो जो स्थिति है और ज़्यादा विकट और प्रगाढ़ हो जाती है क्योंकि अब ऐसे में कोहरा होता है, अब कोहरे में सड़कों का निर्माण, अब ऐसे में सड़कों में अगर गड्ढे होंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं। सड़कों से पहले जब कोहरा पूरे तरीके से छा जाता है रास्तों पर, उससे पहले सड़कों का सुधारीकरण, इस तरीके के विकास कार्य को लेकर बैठक करना काफी ज्यादा जरूरी है सुरक्षा के मद्देनजर भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा कोहरे की गुमार है, उससे लोगों को परेशानियां होती हैं, किस तरह से इसे निजात मिल सके, किस तरह से जो रूट है उसे आसान किया जा सके, इसको लेकर के जो परिवहन विभाग है, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग है और तमाम जो विभाग है संबंधित विभाग, उनके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर निर्देश भी दिए जा रहे हैं और पुडिंग के साथ साथ जो जो लाइटें होती हैं, लाइटों का प्रयोग यहाँ पर होगा जिस वजह से लोगों को आसानी होगी मैदानी क्षेत्रों में। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कोहरा नहीं देखने को मिलता, लेकिन बावजूद इसके जो गड्ढे हैं, क्योंकि आपदा तमाम जगहों पर इस समय देखी गई थी, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र हो, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र हो, हल्द्वानी के साथ साथ अगर हम नैनीताल की बात करें, ठीक है, चंपावत खटीमा, इन जगहों की बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था। साथ ही साथ अगर गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पौड़ी और टिहरी सहित चमोली और रुद्रप्रयाग में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उससे उस तरफ भी लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो गड्ढा, जो सड़कों में जो गड्ढे बने हुए हैं जिस वजह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर हमने उत्तरकाशी की अगर बात करें तो उन जगहों की बात करें जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के खतरे हैं, बहुत ज्यादा दुर्घटना क्षेत्र है, तो उन जगहों को भी कहीं ना कहीं उसे भरने का काम सरकार के मुख्य लगातार अपडेट कर रहे हैं और अधिकारियों को। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशा नोटियाल शपथ ले रही है, सीधी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। पीछे कर लो कैमरा, अरे यार मेरे आगे लाइन से कैमरे पे भाई कैमरा पीछे कर ले यार। ये कौन है? थोड़ा पीछे करो ना, पेज पे। अरे यार भाई यार तुमने शपथ समारोह में सीएम धामी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। आशा नोटियाल शपथ आज ले चुकी हैं सीएम धामी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद हैं। शपथ के बाद बीजेपी ऑफिस में भी सम्मान होना है, तो बीजेपी ऑफिस में भी कार्यक्रम है। उससे पहले शपथ ग्रहण की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरे ने शपथ दिलाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आशा नोटियाल केदारनाथ सीट से नवनिर्वाचित विधायक, केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ, उसके बाद अब जीत दर्ज की है और विधायक बनी है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही हालांकि ये सीट थी, लेकिन अब आशा नोटियाल इस सीट से विधायक होंगे। उपचुनाव के बाद आशा नोटियाल की विजय, भारतीय जनता पार्टी की विजय देखने को मिली है। उसके बाद अब शपथ ग्रहण उनका देखने को मिला, शपथ लेते हुए नजर आई। पद और गोपनीयता की शपथ आशा नोटियाल को दिलाई गई है और इसके बाद बीजेपी ऑफिस में भी उनका कार्यक्रम देखने को मिलेगा। सम्मान किया जाएगा आशा नोटियाल का, और साथ ही केदारनाथ सीट से उपचुनाव में विजय हुई आशा नोटियाल, अब बीजेपी विधायक केदारनाथ विधानसभा सीट से। आशा नोटियाल का शपथ समारोह आपको दिखा रहे लाइव, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको नजर आ रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तो उत्तराखंड विधानसभा से सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर आशा नोटियाल आपको दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव में उन्होंने विजय हासिल की, उसके बाद आज शपथ लेते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड इकाई के महेंद्र भट्ट नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आशा नोटियाल आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में मौजूद है। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी तस्वीरों में और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही आशा नोटियाल नवनिर्वाचित विधायक केदारनाथ विधानसभा सीट से। तो बीजेपी के लिए खुशी का दिन है और शपथ उन्होंने ली है। तो वहीं अब आशा नोटियाल की तरफ से शपथ ग्रहण की गई। बहरहाल बढ़ते खबरों में आगे, उत्तराखंड की धामी सरकार ने 10 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और रपोलों के निर्माण के लिए 66.12 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है और इनसे कालाढूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जगेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड और रुद्रपुर धनोल्टी और साथ ही पुराला सड़क पुल निर्माण कराए जाएंगे। तो वहीं अब दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए 1,35,00,000 रुपए स्वीकृत दिए गए हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने और जगह जगह पर अलाव जलाने के निर्देश भी दिए हैं। अब इस मद में पौड़ी के लिए 15,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, बाकी जिलों के लिए 10-10,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं।
तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में उन्होंने हरिद्वार को और ज्यादा अधिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए विशेष प्रयासों पर जोर दिया है। राज्यपाल ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर निगम व हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ यातायात, सफाई और सौंदर्यकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए जरूरी है और राज्यपाल ने आकांक्षी जनपद क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रभावी योजना बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं के भविष्य को संवारने को लेकर भी एक इनिशिएटिव लिया है और युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाने की बात कही। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने एक बार फिर से दोहराया है कि राष्ट्रीय खेलों के ऐतिहासिक और सफल आयोजन के लिए उत्तराखंड राज्य पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने ACEO, राष्ट्रीय खेल सचिवालय, निदेशक खेल विभाग को यह निर्देशित कर दिया है कि भारतीय ओलंपिक संघ को यह सूचित कर दें कि 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के बीच में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने की तैयारी राज्य में हो चुकी है और पूर्ण तरीके से तैयारी हो चुकी है। राज्य तैयार है, जिसके क्रम में भारतीय ओलंपिक संघ को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है कि उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि हम इस आयोजन की अभूतपूर्व मेजबानी करेंगे और हमारा उत्तराखंड हर मानक पर खरा साबित होगा। बहुत सारे ऐसे 10 तारीख से युवा महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं और अब की बार का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम ही जो है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जिसमें हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख से इसका शुभारंभ करेंगे और समापन पर मैं केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री जी से मुलाकात करके आई थी, उनको भी इनवाइट करके आई हूं कि समापन उनके स्तर से हो जाएगा तो निश्चित रूप से विभाग का भाग्य भी रहेगा और कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो इस पूरे युवा महोत्सव में युवाओं के लिए बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच हैं, बहुत सारे उनके करियर कोर्सेज के संदर्भ में बहुत सारी चीजों की जानकारियां हैं, प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे नामचीन प्लेयर भी इसमें आने के लिए प्रस्तावित है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला जो युवा महोत्सव है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। आप जिस घर में रहते हैं, अगर आप उस घर का टैक्स समय पर जमा नहीं कर पाते तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है इसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा, लेकिन यह परेशानी केवल आम आदमी को उठानी पड़ती है क्योंकि खास तो सबके लिए खास होता है और अगर बात सिस्टम की हो तो सिर्फ मौज ही मौज, क्योंकि जब सैया भाई को ताल तो फिर डर काहे का। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुछ ऐसे सरकारी बिल्डिंग्स की जिन पर टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए बकाया हैं लेकिन अब तक उस टैक्स को भरा नहीं जा सका। जैसे उत्तराखंड का बीजापुर गेस्ट हाउस, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान FRI समेत सरकारी भवन शामिल है और इन सभी बिल्डिंग्स पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है और ये टैक्स है। अब ये सभी देहरादून के कंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में आते हैं जो कि एक ऑटोनोमस बोर्ड में है। अब ऐसे में अगर बात कर ली जाए और नगर निगम के रूप में ये काम करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले देहरादून के भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की 3 बोर्डी पर करीब 5 से 6 करोड़ रुपए बकाया और साथ ही बीजापुर गेस्ट हाउस पर करीब 20 लाख रुपए बकाया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के सरकारी अस्पताल पर करीब 58 लाख रुपए बकाया और राजभवन पर करीब 13 लाख रुपए का टैक्स बकाया। कंटोनमेंट बोर्ड के CEO हरेंद्र सिंह का यह कहना है कि बीजापुर गेस्ट हाउस और सरकारी संपत्तियों पर जो बकाया है उसके लिए सभी ने टैक्स जमा करने की हामी भर दी। कंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है यहाँ पर, उसमें काफी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की संपत्तियां हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो तो आर्मी की है। आर्मी का जो हमें सर्विस चार्ज होता है वो हमें सेंटर के थ्रू मिल जाता है हमारे DG साहब के माध्यम से, लेकिन जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं उन्हें हम बिल भेजते हैं। उनमें से कई संस्थाएं अपना रेगुलरली पेमेंट कर रही हैं, जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट है, ONGC हो गया, BSNL हो गया, ये सब हमें रेगुलरली जो हमारी डिमांड होती है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अभी FRI के साथ हमारी बात चल रही है, FRI के साथ हमारा सबसे ज़्यादा बकाया है और FRI के साथ इश्यू ये हुआ है कि पहले हम बिल सीधा FRI को भेज रहे थे पूरे एरिया का, लेकिन उनके द्वारा हमें ये बताया गया है कि उनके यहाँ 3 अलग अलग संस्थाएं हैं जिनका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है।
उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 आईएएस समेत 18 अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। रणबीर सिंह चौहान अब एमडी शुगर फेडरेशन बने हैं। आपको बता दें कि अपूर्वा पांडे को अपर सचिव गृह बनाया गया है। धीराज गब्रियाल को वक्फ विकास निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय कुमार जोगदंडे अब अपर सचिव राजस्व बने हैं और रीना जोशी को एमडी रोडवेज का चार्ज दिया गया है। उत्तराखंड में तबादलों का दौर लगातार जारी है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। आईपीएस और पीपीएस के अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद अब आईपीएस पीसीएस और साथ ही सचिवालय सेवा के अधिकारियों को भी बदला गया, अधिकारियों का तबादला किया गया। अब उत्तराखंड शासन की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उनमें से 13 आईपीएस, 3 पीसीएस और 3 सचिवालय सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया और जानकारी आपके स्क्रीन में। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश कनेरा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अब हरीश, फिलहाल बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है और ये तबादले का दौर जो है वो लगातार जारी है, क्या मायने इस फेरबदल के, इन तबादलों के? देखिए पसंद, जिस तरह से एक बड़ा फेरबदल कल देर शाम को भी हुआ है और जिसमें कि 13 आईएएस और 3 पीसीएस और इनके साथ ही 2 सचिवालय सेवा के से जुड़े अधिकारी के तबादले किए गए हैं, जिसमें कि अगर हम आईएएस की अगर बात करें तो एलएल फनाई को यहाँ पर अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयुक्त हटा करके वास्तविक विकास बोर्ड से ही हटाया गया है। रवि चौहान से कृषि और पेयजल हटा करके उन्हें गन्ना और शुगर फेडरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। धीरज गब्रियाल को ग्राम्य विकास और आयुक्त हटा करके और उनके आयुक्त और वह विकास निगम में की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो जो फेरबदल हुआ है, जो नई जिम्मेदारी दी गई है, इसे प्रशासन के जो कार्य है उसको संतुलन बनाने के लिए किया जा रहा है। अभी इसमें आपने देखा कि इससे पहले भी जो तमाम जो आईपीएस हैं, आईपीएस हैं, उनके भी यहाँ पर तबादले हुए थे, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कल देर शाम को भी एक बड़ा जो लिस्ट है यहाँ पर सामने आई है, जिसमें कि आईएसओं के तबादले किए गए हैं, उनके जो कार्यकाल हैं उसमें घड़सुरे और बढ़ोतरी की गई है, उसके साथ ही जो कई लोगों को नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही अगर हम पीसीएस की अगर बात करें तो पीसीएस अधिकारियों के भी जो कार्यकाल है उनमें भी फेरबदल किया गया है, जिसमें कि इलागिरी है उनको अपर जिला अधिकारी की जो है पौड़ी से हटा कर दी, अब नई जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। मोहन सिंह बनिया को सचिव एमजी बनाया गया है। दिनेश प्रताप सिंह को यहाँ पर जो राज्य संपत्ति से हटाया गया है और साथ ही साथ अब जो सचिवालय सेवा की बात करें तो इसमें भी 2 अधिकारी हैं, प्रदीप सिंह रावत और प्रदीप जोशी, इनको भी यहाँ पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो पॉलिसी होती है, सरकार के जो कामकाज होते हैं उसके एक मुख्य बिंदु होते हैं आईएएस और पीसीएस, उनको नई जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब संतुलन बनाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। ऋषिकेश एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की तरफ से मरीजों, तीमारदारों व अंग तुकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में अक्सर ये खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं, जिसे लेकर एम्स प्रशासन के जनसंपर्क अधिकारियों की तरफ से दखलअंदाजी कर मामलों को सुलझा दिया जाता जा रहा है। अब ऐसे में और साथ ही अगर बात करें तो इसी कड़ी में अब पत्रकारों के साथ भी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऋषिकेश के पदाधिकारियों, संघ जनसंपर्क कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और साथ ही इस पर अब एम्स प्रशासन के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अमित पाराश्वर ने ऋषिकेश प्रेस क्लब के सदस्यों के समक्ष आकर घटना पर खेद प्रकट किया और साथ ही साथ अब एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मौके पर ऋषिकेश प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने धरना दिया। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान के तहत अब हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। अब ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सिडकुल थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। सिडकुल थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान करीब 4 से 5 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित स्मैक बरामद की गई है और साथ ही एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार
जिले भर में सभी थाना और चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में नशा तस्करों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही अभियान पूरी ताकत के साथ चलाया जा रहा है और ताकि इस जिले को नशा मुक्त बनाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 जो मिशन है उसके तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के कुशल नेतृत्व में सिडकुल थाने ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, दो अलग अलग मामलों में। एक के पास 15 ग्राम से ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है और दूसरे के पास 14 ग्राम से भी ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है। इन दोनों की मिला के कुल कीमत मार्केट में 4 से 5 लाख रुपये की अनुमानित है। दो अभियुक्त है, एक का नाम है मोनू मुजफ्फरनगर से है और दूसरा अभियुक्त है शाहिद, वो सिडकुल क्षेत्र से ही है। और दो और अभियुक्त है जो इन्हीं के ही अपराध में भागीदार है, उनके लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी के ही क्रम में लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लगातार धरपकड़ जारी है और पकड़े जा रहे हैं लोग। हरिद्वार में आबकारी विभाग के ताबड़तोड़ कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा है। जिला आबकारी अधिकारी हरीश जोशी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। छापेमारी की जो कार्रवाई देखने को मिले उससे हड़कंप मचता नजर आया। अब ऐसे में आबकारी विभाग की टीम ने इंदिरा बस्ती इंडस्ट्रियल एरिया में एक घर से अवैध शराब बरामद किए और साथ ही अब लक्सर कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध शराब पकड़ी गई है। दोनों मामलों में शराब बेचने वालों का चालान कर पुलिस को सौंप दिया गया। हरिद्वार जिले में निर्धारित समय के बाद अब शराब की दुकानें और बार खुले रहने पर आबकारी विभाग ने सख्त रवैया अख्तियार किया, कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही शादी पार्टियों और साथ ही होटल ढाबों और रेस्टोरेंट्स में बिना अनुमति शराब परोसने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। आबकारी विभाग के DEO हरीश जोशी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शादी, जन्मदिन समारोह या फिर अन्य आयोजनों में यदि 5 से अधिक लोग एक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शराब जब्त करने के साथ साथ संबंधित लोगों पर कानूनी मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके अतिरिक्त अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और इसके आयोजनों पर विभाग ने कड़ी नजर रखने की बात कही है। आम जनता को भी ये अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे मामलों की शिकायत आबकारी विभाग में दर्ज कराएं। लगातार हम लोगों के द्वारा बार अपने जो बार और रेस्टोरेंट हैं उनमें लगातार निगरानी की जा रही है और सबको सख्त हिदायत दी गई है, किसी भी ग्रुप में 11 बजे के बाद वो अपने बार को नहीं खोलेंगे। अवैध जो दारू पिला रहे हैं होटल या रेस्टोरेंट कोई भी, कि वो अवैध रूप से इस गतिविधि को ना करें। अगर यदि को किसी की वहाँ कोई पार्टी या कोई ऐसा आयोजन है तो विभाग के द्वारा एक दिन का बार अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाता है। FL 11 बहुत ईजी प्रोसेस है, सबके लिए अच्छा भी है, वो लीगल तरीके से उसको लें और आराम से दारू पिलाएं। लेकिन उसमें भी 11 बजे के बाद किसी भी रूप में 11 बजे के बाद दारू कोई पिलाते हुए पाया जाए या अवैध रूप से पिलाते हुए पाया जाए तो उस पर। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें जनतंत्र TV। नमस्कार।